दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल से अनवांटेड अडल्ट वेबसाइट ब्लॉक करना चाहते हैं कि कोई भी आपके मोबाइल के ब्राउज़र से कोई अडल्ट वेबसाइट सर्च ना कर सके और उस तक ना पहुंच सके, तो इस तरह की अगर कोई वीडियो डाउनलोड ना कर सके तो इस वीडियो को देखते रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से किसी भी एप्लीकेशन के बग़ैर अपने मोबाइल से अडल्ट वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकते हैं कि कोई भी सर्च नहीं कर पाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल के घंटे को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने चले जाना है अपने ब्राउज़र में जहाँ पर आप ब्लॉक करना चाहते हैं। तो मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और आपने वहाँ पे सर्च कर लेना है गूगल। तो यहाँ पे www.google.com पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह का होम पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आपने थोड़ा नीचे जाना है और आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और सर्च सेटिंग्स में चले जाना है। तो आप यहां पे देख सकते हैं सेफ सर्च फिल्टर ऑप्शन आपको दूसरे नंबर पे जो दिखाई दे रहा है उसमें नीचे लिखा हुआ है शो मोस्ट रिलेवेंट रिजल्ट। तो आपने यहां पे कर देना है फिल्टर एक्सप्लिसिट सेट रिजल्ट, इस तरह का कुछ लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और नीचे वीडियोज़ में लिखा हुआ है डोंट ऑटो प्ले, तो यहाँ पे क्लिक करना है। ये थोड़ी सी सेटिंग आपने कर लेनी है और नीचे प्राइवेट रिजल्ट डोंट यूज़ प्राइवेट रिजल्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे सेव कर देना है, उसके बाद ओके कर देना है। बस ये छोटी सी बेसिक सी सेटिंग है, अगर आपने ये कर ली तो उसके बाद कोई भी गलत गंदी वेबसाइट आपके ब्राउज़र में शो ही नहीं होगी। तो इसी तरह आप अपने मोबाइल को सेफ सिक्योर बना सकते हैं, कोई भी आपके मोबाइल पे गलत कंटेंट सर्च नहीं कर सकेगा। ये थी आज की छोटी सी वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।